हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, प्याज तो हम सब के घर में होती है और सब उसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे किसी के बाल झड़ रहे हैं, कमज़ोर हैं, तो प्याज का रस लगाने से बाल झड़ना बंद हो जाता है। तो यहाँ मैं इसके छिलके का यूज़ करूँगी। और ये मैं यूज़ कर रही हूँ कि जो वाइट बाल होते हैं उनको काला कैसे करें। तो फ्रेंड्स, ये जो छिलके होते हैं प्याज के, ये बहुत ही काम के छिलके होते हैं। मतलब हम इसको ऐसे वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये वाइट बालों को ब्लैक करने के लिए। तो आप इस तरह से देखिए, मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे सिर्फ प्याज के छिलके ही लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको किस तरह से इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर दिया और उस पर रख दिया मैंने एक कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने ये सारे छिलके रख लिए हैं, डाल दिए हैं। और इसको सिम आँच पर इस तरह से हिलाते हुए इनको जला लेना है। तो इसको पूरी तरह से ये सूख भी जाएंगे और ये काले हो जाएंगे। इसको इस तरह से धीमी आंच पर ही इसको जलाना है। जब फ्रेंड्स ये पूरी तरह से जल जाते हैं, तो फिर मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से इसके हमें इस्तेमाल करना है अपने वाइट बालों को काला करने के लिए। फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल जैसे ही आप करोगे वाइट बालों पर, तो ये तुरंत ही बालों को काला कर देता है। तो और आपको इसमें कोई मेहंदी या कोई और तेल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अब सर्दियां आ गई हैं। तो मेहंदी लगाते हैं तो काफ़ी टाइम तक हमें लगा कर रखना पड़ता है और फिर ठंडा भी रहता है। तो फ्रेंड्स, सर्दियों में तो ये बहुत ही अच्छा एक तरीका है बालों को, जितने भी वाइट बाल हैं उनको काला करने का। तो बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से आप अपने बालों को तुरंत काला कर सकते हैं। तो इसको आप अधिक मात्रा में भी बनाकर इसको रख सकते हैं, क्योंकि प्याज तो हर घर में इस्तेमाल होती है डेली। तो आप वो छिलकों को फेंक ही नहीं, उनको इकट्ठा करके इस तरह से कढ़ाई में डाल के उनको इस तरह से गर्म कर लीजिए, उसको जला लीजिए। जब ये पूरी तरह से इस तरह से जल जाएंगे, तो इसको हमें एक पाउडर की तरह इसको पीस लेना है। तो आप इसको पाउडर इस तरह से बना के रख लीजिए, और जब आपको इस्तेमाल करना है तो उसमें से आप कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर इस तरह से इसको जला रही हूँ। तो ये पूरी तरह से अब जल ही चुका है। तो इसको ठंडा होने के बाद फिर इसको एक पाउडर में इसको पीस लेना है, पाउडर की तरह बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसको कटोरी में ट्रांसफ़र कर लिया है, और अब मैं इसको, चाहे तो आप इसको चम्मच से, या वैसे भी ये पूरी तरह से सूख चुका है तो ये इस तरह से चम्मच से भी ये एक इसको फूट जाएगा ये इसके सारे पीसेस। तो और मैं इसको फिर भी हाथों से इस तरह से मैंने इसको एक पाउडर बना लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छे से हमारा ये पाउडर बनकर तैयार हुआ है। और ये इतना अच्छा होता है कि इसको लगाते ही बालों में जितने भी वाइट बाल हैं सब के सब काले हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक ही चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ, बाकी को मैं कभी जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक चम्मच ये पाउडर डाला है प्याज का, और उसके बाद में यहाँ पर लिए मैंने आधी चम्मच वैसलीन। वैसलीन भी हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से इसको वैसलीन में मिक्स कर लीजिए पूरी तरह से। ये देखिए कितना अच्छा कलर आता है। और ये बालों में लगाने के बाद जब तक आप इसको शैम्पू नहीं करेंगे तब तक बालों में लगा रहेगा, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं छूटने वाला। पानी डालेंगे तभी भी नहीं छूटेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पर बाल कितने वाइट हो गए हैं। और मैं आप अपने ही बालों पर इस तरह से अप्लाई करके बताती हूँ कि देखिए, एक भी बाल मेरा सफ़ेद नहीं दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पे कितने वाइट बाल है। और मैं अपने इस तरह से हाथों में ही लेके, चाहे तो आप ब्रश से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं हाथों से ही लगा रही हूँ। उसके बाद साबुन से वॉश कर लूँगी हाथों को, तो छूट जाएगा। और पानी से धोऊंगी तो नहीं छूटेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए मैं अपने बालों पर अप्लाई कर रही हूँ। जितने भी मेरे बाल वाइट है, ग्रे है, उस पर मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। और अप्लाई करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिजल्ट तुरंत आपको कैसा दिखाई देगा। तो ये देखिए, जैसे ही मैं इसको वाइट बालों पे लगाती हूँ, वो वाइट बाल तुरंत ही काला हो जाता है, पूरा कवर हो जाता है। तो ये देखिए, इसको मैंने इसमें कोई मेहंदी भी नहीं मिलाई है, और ये सिर्फ प्याज के छिलकों को जला करके उसको पीस के उसका एक पाउडर बना लिया और वैसलीन में मिक्स करके इस तरह से लगाया है। तो मेरे जितने भी वाइट बाल हैं सारे के सारे तुरंत काले हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए काले भी हो रहे हैं, आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा। पहले मेरे बाल वाइट दिख रहे थे और अब ये देखिए बिल्कुल काले हो गए हैं।
तो इसको लगाते के साथ ही तुरंत काले हो जाते हैं बाल, और आप इसमें पानी डालोगे तो भी ये नहीं छूटने वाला है। ये देखिए मैं हाथ से एक लगा के दिखा रही हूँ, नहीं छूट रहा है। और ये जब सूख जाता है तो उसके बाद आप इसमें कोम कर लीजिए, तभी बहुत अच्छे से आपके बाल सेट हो जाएंगे। और जब आप इसको शैम्पू करेंगे तभी ये छूटेगा, इससे पहले पानी से नहीं छूटने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप बिना मेहंदी के या बिना कलर बिना डाई के भी आप इस तरह से अपने वाइट बालों को काला कर सकते हैं। तो अब तो सर्दियां हैं और मेहंदी लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत ठंड होती है, तो आप इस तरह से अपने जितने भी वाइट बाल हैं उनको काला कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।